हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स लेसन नंबर 5, दैट इज फ्रैक्शंस. ओके सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी डाइजेस्ट आंसर्स. ओके, जो आपको वर्कबुक कंप्लीट करना है. सो किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि उनको सारे डाइजेस्ट का चाहिए. बाकी के भी बच्चे 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के भी बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे सबके जो भी आप बोल रहे हो मैं उसके भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगी. ठीक है, ताकि आप लोग उसे देख के ईजिली आप अपना बुक कंप्लीट कर पाओ. तो ये तो सबको पता है, जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा कितना है, 2 पार्ट में है ना. तो जो जितना पूरा है, जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में. ये ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4. शेडेड कितने हैं, 2, और पूरा कितना है अगर हम देखिए तो 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस है ना. तो 4 मतलब यहाँ पे है, तो ये जो पूरा 4 है वो हम यहाँ पे रखेंगे. और जो शेडेड पोर्शन पूछा है आपको, यहाँ पे शेडेड पोर्शन पूछा है कितना होगा, 2. यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितना था, 1 था, तो 1 लिखा. ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिगर, यहाँ पे देखिए कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमने डिनोमिनेटर में रखा 6, और शेडेड पोर्शन पूछ रहा है आपको, शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर रखा 3. वापस देखिए यहाँ पे ये कितने हैं, काउंट कर लीजिए, ये आप खुद ही समझ सकते हो. अभी पूरा 8 है, काउंट करके देख लीजिए. तो डिनोमिनेटर में लिखा है 8, और शेडेड पोर्शन इसके देख सकते हैं 4 हैं, तो ऊपर रखा 4. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ ताकि आप वर्कबुक कंप्लीट कर पाइए. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. मैं पूरा आपको एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में ही बता दे रही हूँ. ठीक है, यानी एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी. चैप्टर नंबर 5 मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, और ये पूरा मैं एक साथ यहाँ पर आपको पूरा बता दूँगी. एक साथ जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी प्रॉब्लम सेट हैं, एक साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी. ओके, चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको ये फिलअप करना है, राइट. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया है, जैसे अब इसका तो आंसर दिया गया है, नीचे वाले का आंसर दिया गया है. तो 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 टाइम आता है, तो ऊपर ये भी आएगा. ठीक है, प्रॉपर नंबर बोला गया है, तो यहाँ पे भी क्या 10 टाइम में ही आएगा, 1, 10, 10. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कब आता है 20, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है और 15 आगे उसके लिखा है, यानी 3 फाइव ज़ा 15. तो अब यहाँ पे भी 4 को भी क्या करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आ जाएगा 20. ठीक है, यानी जितना जो आंसर दिया गया है, तो जितने टाइम में वो हुआ है, जितने टाइम में उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जितने टाइम में हम उसको अगर उसका टेबल पढ़े, उतने में आ रहा है. तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे 9 टू ज़ा 18 हुआ. ठीक है, ये 2 है, 9 टू ज़ा 18. तो यहाँ पे जो अब ब्लैंक है जो, तो यहाँ पे आप क्या लिखे हो, 11 टू ज़ा कितना आता है, यहाँ पे भी आपको इंटू 2 करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 अगर है 9 टू ज़ा 18, तो इधर पे आपको 2 करना पड़ेगा, तो उतना आंसर आ जाएगा उसका, 11 टू ज़ा 22. अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया है, अब ये कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवीज़न होगा, जस्ट मिनट, वो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ. देखिए अब जब पहले यहाँ पे इस तरह से पहले 40 दे दिया गया है, और यहाँ पे कम नंबर दिख रहा है, तो कैसे आएगा ये, अगर मैं आपको 40 को डिवाइड करूँ 8 से, तो 8 फाइव ज़ा 40, ऐसे आएगा आंसर, राइट. आंसर आया क्या, 5. यानी कि यहाँ पे 40 को 5 से डिवाइड किया गया, तो आंसर आया इसका 8. इसी तरीके से अब 5 से ही हम 10 को 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो 5 टू ज़ा 10 आ गया यहाँ पे, 0 0 कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 2. तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 2. यानी कि 40 को अगर 5 से डिवाइड 8 से डिवाइड किया, आंसर आया 5. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 10 को भी 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2. चलिए आगे देखते हैं अभी. हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 को अगर 8 फाइव ज़ा 40 होता है, ठीक है, 8 फाइव ज़ा 40 होता है, ऐसे आ गया, और 2 फाइव ज़ा 10 होता है, तो दोनों 5 से ही जा रहा है ना. तो 8 फाइव ज़ा 40 और 2 फाइव ज़ा 10. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 8 के टेबल में 5 टाइम में 40 आ रहा है, तो यहाँ पे किसके टेबल में,
किसके टेबल में, फाइव के टाइम में टू, फाइव के टाइम में टेन आएगा तो टू के टेबल में इस, तो ऐसे भी हम टू लिख सकते हैं। बाकी के भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो लिखे गए हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको जस्ट डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपके कॉमेंट पर बहुत बार बार कॉमेंट आ रहे हैं, बच्चों के वर्कबुक उनके इनकम्प्लीट रह रहे हैं, इसके लिए मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि मजबूरी में मुझे ये प्रोवाइड करना पड़ा, क्योंकि ऐसे हम मैथ्स को ऐसे डाइजेस्ट डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते, वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मुझे टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है स्कूल में भी और ट्यूशन में भी क्लासेस में भी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभी मैं तो एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट क्वेश्चन आंसर का मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। जितना मुझे टाइम मिल रहा है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ओके, तो आंसर सारे देख सकते हो अपने यहाँ पे दिए गए हैं, जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ आंसर, ठीक है। देख सकते हो ये सारे, आगे आपके कमेंट्स अगर आएंगे एक्सप्लेनेशन के तो मैं एक्सप्लेनेशन के भी ज़रूर बनाऊंगी। वैसे बहुत आया मुझे कमेंट, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्योंकि बच्चों के बुक कंप्लीट करने हैं इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बार बार वो सिर्फ यही बोल रहे हैं सारे बच्चे कि मिस जस्ट हमें डाइजेस्ट का आंसर प्रोवाइड कीजिए, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, डाइजेस्ट का आंसर चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग डाइजेस्ट आंसर। ओके, मैं एक्सप्लेनेशन अभी नहीं बना रही हूँ। ओके, हाँ हो सकता है कि जून से ये जब आपका नेक्स्ट अकेडमिक ईयर से मैं बनाऊँ स्टार्ट करूँ मैथ्स, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम वगैरह चालू हैं सबके, तो जस्ट डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर सबको चाहिए, तो मैं वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि मिस ये कैसा आप डाइजेस्ट का आंसर प्रोवाइड कर रहे हो मैथ्स के भी, तो क्योंकि जिन बच्चों को चाहिए उनके लिए ये है, जिनको नहीं चाहिए तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, और आगे चल के मैं भी बनाऊंगी जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा, तो मैं आगे चल के मैथ्स की भी वीडियोज़ अपलोड करूंगी, ठीक है। आंसर देख सकते हैं सारे प्रॉब्लम सेट के, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे सारे प्रॉब्लम सेट को दिखा दूँगी। इस चैप्टर में जितने प्रॉब्लम सेट है ना सबके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, देख लीजिए आंसर सबके। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप जब भी कमेंट कर रहे हो आपको इंस्टेंट आपको आंसर मिल रहा है, उसका वीडियो भी मिल जा रहा है आपको, तो आप भी सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करके, और पूरा वीडियो देख के आप चैनल को प्रमोट कर सकते हो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो, वीडियोस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को, ठीक है। जिस तरीके से आपको हेल्प मिलती जा रही है चैनल से, वैसे ही आप भी चैनल की हेल्प कीजिए, ये आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। ओके, आंसर देख लीजिए, ये तो सिंपल है, यहाँ पे बस आपको यही साइन लगाना है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा है, इसका मेथड होता है करने का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अगर सेम है डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है ना थ्री का, तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ठीक है। बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर थ्री, तो यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं आंसर। आगे आंसर देखिए, इसके आंसर यहाँ दिए हुए और इसके यहाँ पे, ये आपके सारे प्रॉब्लम सेट के, इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे है। अभी देखिए, इसका आंसर इधर दिया हुआ है, इसका यहाँ पे दिया हुआ है। आगे आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताते चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने सिक्स्थ और सेवन्थ और एट का भी बोला इवन, तो मैं ट्राई करती हूँ जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए या फिर आपको पीडीएफ कहाँ से मिलता है, तो पीडीएफ नहीं है ये कोई, ये टेक्स्टबुक से ही मैंने पिक क्लिक किया हुआ है, ठीक है। या फिर जिन बच्चों के पास रहता है मैं उनको बोल देती हूँ पिक क्लिक करके, जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं आप मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, तो मैं यहाँ पर उनसे मंगवा लेती हूँ पिक्स, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स से, या फिर मेरे पास जो रहता है तो मैं उसी से पिक क्लिक करके दे देती हूँ। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पिक्चर ब्लर भी रहते हैं, क्योंकि वो बच्चों आपको पता ही है कि जब स्टूडेंट्स उनको इतना नहीं आइडिया होता, छोटे बच्चे हैं तो उनका उनको इतना नहीं आता, तो उनसे जितना भी आता है वो करके दे देते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि मुझे इसका आंसर है ये, ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है,
यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है कि आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको जो भी आप आंसर बोलते हैं मैं वीडियो फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करती हूँ। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, इवन मैं रात में 12 बजे भी आपके लिए, 1 बजे भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे मैं फ्री होती हूँ अपने क्लासेस से, अपने ट्यूशन से, बाकी के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उससे, तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है इसको प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो इसे। ओके देख सकते हो, ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, आई होप कि आपको आता भी होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसे क्योंकि मुझे फटाफट ये वीडियो कवर करना है जल्दी से, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, और कई सारे अभी कमेंट आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो फिर मुझे नेट भी नहीं बचता, सारे बच्चों की वीडियोस देने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सारे बच्चों की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। ओके देखिए ये बहुत इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट हमने ये इसको प्लस कर लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 5 रख दिया, फिर 3 + 1 = 4 आ गया, 5 आ गया, वही आंसर है, ये बहुत इजी है, देख लीजिए सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम वाला है, तो डिनोमिनेटर जिसके जिसके सेम है तो वो क्या करना है, बस आपको जस्ट इसको ऊपर वाले को सबको प्लस कर लेना है, न्यूमरेटर को सबको प्लस कर लेना है, और जो डिनोमिनेटर है एक साथ में सबके नीचे रख देना है, फिर इन तीनों को एक साथ ऐड कर लेना है और नीचे डिनोमिनेटर रख देना है, बस और कुछ नहीं इसमें, बहुत ईजी है, देख लीजिए यहाँ पे भी है आंसर। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आगे भी बताते जाइए। ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स है दिया गया है, यहाँ पे प्लस ही है ये भी, वैसे ही जो अभी हमने देखा। ओके आपको कोई भी चैप्टर चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, मराठी, मैथ्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं अपलोड करने का पूरा ट्राई करूँगी। और बाय द वे आपको सारे क्वेश्चन आंसर, डाइजेस्ट आंसर, इवन एक्सप्लेनेशन के आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारे मिल जाएंगे आपको, ये भी सेम है, वही है, बस इसमें ऊपर वाले को माइनस करना पड़ता है, यानी न्यूमरेटर को माइनस करना पड़ता है, और सेम डिनोमिनेटर को वैसे ही रख दिया है, ठीक है, वैसा ही है जैसे प्लस किया है, तो आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड के 6th स्टैंडर्ड के 7th 8th सबके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको अलग अलग, तो आप पहले प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया कीजिए, सारे वीडियोज़ अपलोडेड रहते हैं। और बहुत बार स्टूडेंट्स मैं आपके जब आपका कमेंट आता है मैं अपलोड कर भी देती हूँ, बट आप फिर भी देखिए एक क्वेश्चन उसका आंसर है, फिर भी आप कमेंट करते हो कि मिस नहीं मिला, क्यों मैं नहीं मिलता, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहते, और चैनल सब्सक्राइब भी किए रहते हो तो बेल आइकन होता है उसे प्रेस नहीं करते, उसे प्रेस करिए, ठीक है। फिर 3 ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन होता है ऑल का, ऑल पे क्लिक किया कीजिए, उससे क्या होगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे। ओके ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है, इसमें थोड़ा सा देखिए क्या है, ये यहाँ पे अलग है ना डिनोमिनेटर, इसीलिए क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे 15 आ गया डिनोमिनेटर में। ओके जैसे यहाँ पे 3 को 3 से किया और फिर 5 को भी 3 से किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 को 5 से किया और 1 को यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे दिया गया ना आंसर, तो यहाँ पे 1 को 5 से भी किया है और 3 को भी 5 से किया है, 3 को भी इधर इधर डिनोमिनेटर में, तो ये आंसर आया है। ये सारे सम बहुत ही इजी हैं, ये क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्शन है, वैसे ही है जैसे प्लस है वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर तो एकदम है। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्लोली स्लाइड करूँ एक एक क्वेश्चन ताकि आप वीडियो पॉज करके लिख सकें अपने वर्कबुक में, ऐसे मैं फटाफट करती थी पहले बट बच्चों ने बोला कि मिस हम लिख नहीं पाते, पॉज नहीं कर पाते वीडियो, सो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही स्लोली स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप इसे लिख पाओ। ओके प्रॉब्लम सेट 23 है ये, सारे चैप्टर आपके एक वीडियोज़ में होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देख लीजिए सारे आंसर,
जितने भी आपके हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैंने सारे बता दिए आपको, ठीक है। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन पूछिए, कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिए, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, आपकी बहुत हेल्प हो रही है, जैसे ही आप बोल रहे हो वैसे ही ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपको चाहिए वीडियो आप बता सकते हो और आप भी हेल्प कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शन के स्टार्टिंग से लेके प्रैक्टिस सेट 17 से लेके मैंने आपको पूरा 23 तक प्रोवाइड किया है। एक बार ऐसे भी देख सकते हो आप सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कोई छूटा नहीं है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप, फटाफट एक बार ऐसे गो थ्रू कर लीजिए, कोई अगर छूटा रहेगा तो। प्रॉब्लम सेट 17 हो गया, ये प्रॉब्लम सेट 18 हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 19 आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम सेट बहुत है इसमें और शायद मैं एक्सप्लेन करती तो पता नहीं कितना लेंदी जाता वीडियो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फटाफट यहाँ पे ऐसे ही बता दिया है, देख सकते हैं सारे आंसर। मैं आपको वापस से बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है वीडियो का और यह मैथ समझाने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि मैथ हमें एक्सप्लेन करके ही आता है। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए, अगर आपने स्कूल में क्लासेस में ट्यूशन में पढ़ा है तो आपको पता होगा, बस आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। वैसे ये सही तरीका नहीं है मैथ्स करने का, ठीक है, तो आपको जस्ट कॉपी करके लिखना नहीं है, आना चाहिए। हाँ, आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है तो ये आपके लिए ईजी है, ठीक है, और देख के भी थोड़ा समझ में आ जाता है आंसर्स, ओके।